देखो कौन आया भाई जयपुर। चलो बाय। तो अभी आप लोगों ने जो थार देखी ना, जो साइड से टच हो रखी थी, तो वो अनुराग की थी। ही इज फ्रॉम उत्तराखंड। वो अभी जैसलमेर ट्रिप पे निकला था। हम लोग जैसलमेर में मिलने वाले थे, लेकिन उसके अभी ट्रिप कैंसिल हो गई, तो वो जयपुर से वापस उत्तराखंड जा रहा है, इसलिए ढंग से मिल नहीं पाए। कभी दोबारा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अच्छे से मिलेंगे। एक गुड न्यूज है, वो गुड न्यूज ये है कि एक्सयूवी 700 ऑल व्हील ड्राइव आ चुकी है अब महिंद्रा के आउटलेट पर। अपन उसकी डिलीवरी लेने के लिए तैयार है, बस मुहूर्त का वेट कर रहे हैं कि एक दो दिन में जब भी मुहूर्त निकलेगा उसको उठा लेंगे। जो पेमेंट वेमेंट का जो सारा प्रोसेस था वो मेरा दोस्त कर चुका है अभी। तो अभी हम लोग महिंद्रा के शोरूम पे ही जा रहे हैं एक्चुअली 700 देखने। तो अपने भाई ने बुक करवाई है ना, वो इतना खुश है ना, आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत वेट किया। तो अब वेट खत्म हो चुका है और अपन उठाते हैं 700 ऑल व्हील ड्राइव। आज खुश तो बहुत हो गए ठाकुर। खुश तो तभी हो गए 31 तारीख। कितने ट्वीट मारे आपने? मैंने 4-5 ट्वीट मारे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बट अब फाइनली अपनी गाड़ी मिल गई है। उन्होंने शायद मेरे ट्वीट पे रिएक्ट किया है। तो ट्रिप की तैयारी कर ले फिर। बिल्कुल, ये देखो ये बिल्कुल नहीं है, वीडियो में बोल दिया तो फिर चलना पड़ेगा। तो चलो अभी तो पहले गाड़ी देखने चलते हैं। तो हम लोगों ने सेम वही मिडनाइट ब्लैक कलर बुक किया है, और एक कंप्लेन करी है इन्होंने, वहीं जाके बताऊंगा। जैसे इनको पता लगा ना कि हमारी गाड़ी आ चुकी है आउटलेट पे, सबसे पहले मुहूर्त उहूर्त कुछ नहीं निकलवाया, सबसे पहले गाड़ी का पूरा पेमेंट करके आए हम। पहले भाई पैसे लो तुम, उसके ऑल व्हील ड्राइव मेरे जैसलमेर जाने से पहले आ जाती। माँ कसम खा के कह रहा हूँ ये गाड़ी जैसलमेर जाती है अभी। ये 200% जैसलमेर जाती, क्योंकि एक थार तो जा रही थी, टेंशन तो थी नहीं कोई निकालने की, निकालने के लिए। बट कोई बात नहीं, फिर भी चलेंगे। ये चीज वेट करके मिलते हैं ना, तो दिल से खुशी होती है। लेकिन जो जयपुर वाले जो महिंद्रा के स्टाफ है, उन्होंने भी हमारे साथ काफी कोऑपरेट किया, काफी हमारी हेल्प करी। ऐसा नहीं है कि भाई हमें मना कर दिया, भाई तुम कैंसिल कर दो बुकिंग, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने भी हमारे लिए काफी एफर्ट्स लगाए, बहुत डायरेक्ट कंपनी में उन्होंने मेल से। इसका मतलब ये नहीं है कि आओ जब वीडियो फील दिया इन पे, ऐसा नहीं है भाई, हम ऐसे काम नहीं करते हैं। चाहते तो हम भी बीच में 2-4 वीडियो बना देते कि महिंद्रा ने ये कर दिया वो। जो यहाँ का आउटलेट है उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया। मीनवाइल जब ये पूरे फ्रस्ट्रेट हो गए, तो उन्होंने बोला कि मैं कैंसिल कर रहा था। मैंने इनको बोला थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि इस बजट में आपको ऑल व्हील ड्राइव कोई दूसरी कंपनी नहीं देगी। नहीं, टाटा में भी अभी ऑल व्हील ड्राइव नहीं, लेकिन जिस दिन टाटा में ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 आ गई ना, फिर तगड़ा कंपटीशन हो जाएगा। फिर कोई बीट करने के लिए फिर लोगों से और कंपनीज को सोचना पड़े। नहीं ना, हमारी स्टार्ट हुई थी क्रेटा से। पहले क्रेटा बेची, टोकन ले लिया, उससे पहले थार बुक थी, थार कैंसिल कर दी, फिर एक्सयूवी 700 नहीं मिल रही थी, तो फिर क्या किया था, टाटा हैरियर देखने लग गए, फिर ग्लोस्टर देखने लग गए। अभी तो हाँ, और दिव्यांशु भाई गाड़ी देख के आते हैं हमारी। छोटा सा ग्लिच हो रहा है अभी, बताते हैं आपको क्या। ये वाली है अपनी, तो अभी इसके अंदर एक ग्लिच ये है कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बाहर से, कि इसके पीछे ना ऑल व्हील ड्राइव ड्राइव का जो लोगो आता है ना छोटा सा ऐसा, वो नहीं लगाया महिंद्रा ने। बाकी सब कुछ बढ़िया है भाई। कई आदमी ना कन्फ्यूज हो जाते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता कि भैया ये ऑल व्हील ड्राइव है या क्या है। तो अभी हम लोग किसी दूसरे व्हीकल का या किसी दूसरे ब्रांड का ऑल व्हील ड्राइव उठाएंगे, वरना बनवा लेंगे मार्केट से और फिर उसको यहाँ लगवा देंगे या वहाँ लगवा देंगे। ये चीज़ करनी चाहिए थी यार, 100-200 रुपये तो लगते हैं। यहाँ पे इसका बटन है भाई ऑल व्हील ड्राइव का। तो अब तो खुश हो? बिल्कुल है, ये कन्फ्यूजन है ना, पीछे ऑल व्हील ड्राइव का लोगो होना चाहिए था ना, होना चाहिए था, AWD लिखा होना। हाँ, बट अपन कोई बात नहीं, दूसरी गाड़ी का उड़ा लेंगे, वरना स्टिकर बनवा लेंगे। बनवा लेंगे, आता है एक AWD बनवा दूंगा। देखिए निकलने वाले हैं और मजा आ गया। बटन को लेके भी बहुत डर लग रहा था ना आपको? हाँ, मुझे पहले जैसा पता, क्योंकि जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तब ऑल व्हील ड्राइव किसी भी डिस्प्ले में नहीं थी। हाँ, और ना ही किसी ने देखा था कि क्या ये हम देख रहे हैं पहली बार, हम पहली हम देख रहे हैं। और स्टोर वालों को तो पता भी नहीं ऑल व्हील ड्राइव है या फिर नॉर्मल वाली है, नॉर्मल वाली गाड़ी है, इसलिए हमको पता लग गया। अगर वैसे खड़ी होती तो हमें भी नहीं पता लगता। अभी तक राजस्थान में किसी जैसा महिंद्रा वाले हमें कह रहे हैं कि अभी तक किसी को डिलीवर नहीं हुई है। पहली है, पहली डिलीवरी है राजस्थान में पहली है अभी।
इसको बस करवा लेंगे जल्दी से, इसको प्रोटेक्टेड करवाना पड़ेगा जल्दी वरना स्क्रैचेज आ जाएंगे यार। बात थी ना, मैं इसलिए रोक रहा था इनको क्योंकि अगर कोई दूसरी गाड़ी लेते ना तो फिर वापस वो प्रोसेस होता, फिर दूसरी जगह फंसते आप, और इस गाड़ी पे ऑलरेडी 1.5 लाख रुपये बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं तो वो तो लॉस होता ना अपना, मार्केट वैल्यू तो प्लस है ना। आपका भाई ऐसे नुकसान में नहीं जाने देगा आपको, और वो कंफ्यूजन भी आप ही ने दूर किया था ऑल व्हील ड्राइव वाला। ऑल व्हील ड्राइव वाला मैंने बोला था कि बटन बटन आएगा ना, लोड मतलब, और मैंने ये भी बोला था इलेक्ट्रिक आएगा, आप ये सोचे थे कि हाथ वाला खींचने वाला आएगा, वो नहीं था इसके अंदर। मैं 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा मुझे कोई मतलब नहीं था जब हम लोग गाड़ी बुक कर रहे थे ना, जब हम लोग टोकन दे रहे थे तब ये बोले क्या लोकेश भाई लग्जरी फीचर्स लेने हैं या ऑल व्हील ड्राइव लेना है, तो मैंने बोला कि आपको मेरे साथ रहना है या अकेले जाना है, तो बोले कि साथ ही चलेंगे आने वाले टाइम पे, तो मैंने ऑल व्हील ड्राइव लो, लग्जरी फीचर्स अपन 2 या 4 दिन यूज करते हैं, यूज ही नहीं है, और जितने ज्यादा फीचर्स ना उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। अभी मेरे को बताओ आपके पास जब क्रेटा थी आप कितनी बार श्रीनगर गए, फ्लाइट से जाते थे, अब इस बार अपन मनाली हिमाचल लद्दाख वगैरह इससे जाता, क्रेटा से मैं बहुत ट्रैवलिंग की है, बट कई बार जाने के बाद मुझे लगा वहां पे जाके लगता है कि हां कि अपने पास ऑल व्हील ड्राइव होनी चाहिए, क्यों 4x4 गाड़ियां या ऑल व्हील ड्राइव निकल रही हैं और अपन सडल देख रहे हैं कि यार अपन अपनी अपनी गाड़ी भी होती तो अपन भी ऊपर जाते बढ़िया तरीके से, अब जाएंगे रॉकेट होते हुए, अब सोचना नहीं है। तो भाई कितना कंफ्यूजन है, लग तो हमको ये भी ऑल व्हील ड्राइव रही थी और इसके अंदर ये वाला जो हैंड ब्रेक है ना, हमको ये वाला हैंड ब्रेक नहीं चाहिए था, इलेक्ट्रिक चाहिए था, जो कि हमें मिल गया हमारे पैक में, तो आपको ये वाला हैंड ब्रेक नहीं चाहिए था, है? नहीं था बटन चाहिए बटन जीवन में। अब जैसे इस वाली XUV 700 और इस वाली XUV 700 में ना कंफ्यूजन हो गया, हमको समझ में नहीं आया एक बार के लिए, तो हमको ये लगा कि हमको एक बार के लिए तो ये लगा कि ये भी ऑल व्हील ड्राइव है, लेकिन अंदर से जाके चेक किया ना तो नहीं है, ऑल व्हील भी चेक कर लो तो बेस है भाई, ऐसे कुछ लग रहा है भाई बेस मॉडल। बाकी यार कुछ भी बोलो गाड़ी तो यही लग रही है, लगी है दोनों सेम लेकिन लग यही रही है। तो इसके अंदर 2-3 मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे, बेसिक बहुत ही बेसिक, तो सबसे पहले जो शार्क 290 है ना उसको अपन हटा देंगे, एंडेवर वाला लगाएंगे, तो ऐसे चमक छल्लो बना देंगे ना, दीवानापन कर देंगे चारों तरफ। मुझे एक बात बताओ यार, इस पे ऑल व्हील ड्राइव का लोगो तो लगवा दो। सर ऑल व्हील ड्राइव का लोगो अगर मिलता ना तो विंडो से प्योर इस तरह होने 500,000 रुपए का कि भाई हमको एक लोगो लगवाना है। तो एक चाबी मिल गई, आ गई आ गई। तो यही खासियत है भाई इस कलर की, वहां पे भी थोड़ी देर पहले खड़ी थी तो ब्लैक लग रही थी, दोनों सेम कलर है, ये ब्लैक लग रहा है और ये अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा ना तो ब्लू लगेगा, पहले भी ब्लू है लेकिन ये इलेक्ट्रिक ब्लू है, अभी देखो हल्का हल्का नेवी ब्लू सा लग रहा है, वाह नाइट ब्लैक है। तो इसके अंदर अपोलो के टायर हैं, तो यहाँ पे हैं अपोलो के टायर, तो अभी बाहर से पूरा दिखा देता हूँ भैया देखो, तो बस यार एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, ऑल व्हील ड्राइव। हाँ जी बैठो, देखो तो सही जी, आप भी बैठो, आ जाओ जी बैठो। पहले महिंद्रा ने अभी चेंजेस कर दिए, पहले यहाँ पे बुर्डन का दिया था बट अभी महिंद्रा ने ये दिया था पहले, अभी हाँ अभी ये लेदर फिनिश में दे दिया है, अभी ये नहीं रुकेगी ये वाली गाड़ी हमारी, ये जाएगी ऐसा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था जो मेरा दूर हो गया था कि इनको ये लग रहा था कि इसके अंदर वो लीवर वाला आएगा, लीवर वाला है, लेकिन हमको ये इलेक्ट्रिक चाहिए था, और मैं इनको बोल रहा था पहले दिन से कि हाँ भैया इलेक्ट्रिक आएगा, लेकिन इनके ना उच्चुल हो रखी थी, नहीं लोकेश भाई मुझसे आपने पूछा था, आपने बोला कि सर सारे महिंद्रा वाले तो दुखी हो गए थे हमसे, क्या पूछते हम उनसे, पूछते ये चीज किसको ये नहीं पता कि साला ये कौन सी गाड़ी ले रहा है, ये वाले बटन वाली ले रहा है लीवर वाली ले रहा है, तो महिंद्रा वाले कितना मजाक बनाते हैं हमारा पता है क्या आपको, बात नहीं अपनी गाड़ी आ गई, थैंक यू सो मच, आप भवानी जी नाम है ना आपका, तो भवानी जी बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, मतलब जल्दी से जल्दी आपने जितना जल्दी करा ना उतना जल्दी हम लोगों को नहीं, 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 के, सपोर्ट तो इनका था नहीं, केस मोटर से सपोर्ट देखो, में कहीं कमी नहीं आई, जो यहाँ के GM गजेंद्र जी उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मनीष नागपाल जी ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। तो जब ये मुकेश जी यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके आते थे ना डेली शाम को मेरे को फोन करते हैं, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने उसको, मैंने बोला पेशेंस रखो, वो लोग भी जॉब करते हैं, वो लोग भी समझ रहे हैं आपको गाड़ी दिलाना चाहते हैं, और बट फाइनली उन्होंने कैसे जैसे करके दिलवा दिया, दिलवा दी, चलो सबसे अच्छी चीज है कि पहले हमें 2021 मैन्युफैक्चरिंग मिली, और मैं इनको यही बोल रहा था कि आप रुक जाओ एक महीने की सब्र और खाओ, वरना आपकी गाड़ी कब का रजिस्टर होता है 2021 का, और अभी 2022 का
पैसे हमने 1.5 लाख भी बचा लिए, 1.5 लाख बचा लिए और है ना मैन्युफैक्चरिंग भी बचा ली, चलो मैन्युफैक्चरिंग रजिस्ट्रेशन भी 2021 का बचा लिया, अभी 2022 का रहेगा मैन्युफैक्चरिंग 2021 की भी कोई बात नहीं। 22 है, 22 दिए कि इस बार आप तो बोल रहे थे ना पहले कि 2021 ही देंगे, नहीं 22 ही आई है ना अभी जनवरी में गाड़ी बनी है। बहुत बहुत बढ़िया चीज हो गई ये तो, चलो सोने पे सुहागा हो गया, इनको एक काजू कतली का डब्बा पक्का है, बिल्कुल मजाक की बात नहीं, बहुत ही बढ़िया मजा आ गया गाड़ी में। देखो गाड़ी तो सेम ही है, मुदित के पास भी सेम है, बस इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव है, देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करने वाली है, इसको ड्यून वगैरह पे लेके जाएंगे तो जल्दी से उठा लो, आपकी डिलीवरी पे तो मैं आ नहीं पाऊंगा। तो अभी महिंद्रा रेक्सटन का पीछा किया जा रहा है सिर्फ एक चीज के लिए कि इसके पीछे लोगो लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है ऑल व्हील ड्राइव, यही वाला लोगो लगवाएंगे अपन। तो अभी मैंने ऑर्डर पे तो लगवा दिया है, आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर। हम चार महिंद्रा ने रेक्सटन पे दे दिया लेकिन एक्सयूवी 700 पे नहीं दिया है। आपने ट्वीट कर दिया था इसलिए तो नहीं हटा दिया कि ऑल व्हील ड्राइव हटाओ इसके, पहले ये बहुत ट्वीट कर रहा है इसका ऑल व्हील ड्राइव हटाओ। तो जितने दिन महिंद्रा ने हमको ना गाड़ी देने में लेट किया ना, उसमें हमने बहुत सारी सारी चीजें प्रोडक्टिव करी हैं, जैसे कि नंबर अच्छा ले लिया। हम नंबर बाद में बताएंगे आपको कि हमने कैसे जुगाड़ करके नंबर लिया और बहुत ही अच्छा नंबर है। तो भी भाई जिम विम तो छोड़ दिया लेकिन डाइट वगैरह लेने आया है यहाँ पे इनके साथ, उसका ही है अंदर से काफी अच्छा बना रखा है, काफी बढ़िया बना रखा है। तभी ये भी तभी रिसेंटली खोला है, कैफे का नाम है कैफे कॉफी बी सीज की। मैं ये वाला कैफे ना पहले 2 गली पहले हुआ करता था, वहाँ पे भी पहले अच्छे खासा हम लोग डाइट लेने जाते थे, मैं तो कभी कभार जाता था, मुकेश जी डेली जाते थे, तो इन्होंने मेरे को बताया था कि अपने दोस्त का है तो मेरे भी दोस्त बन गए। तो अभी आज वापस आए क्योंकि जब इनका इनॉग्रेशन था तब तो मैं आ नहीं पाया, लेकिन आज हम लोग डाइट लेने आते थे। तो अभी क्या आ चुका है भैया, पनीर सैंडविच बहुत ही अमेजिंग अंदर से ऐसा कुछ बना रखा है। आमिर भाई कॉन्ग्रेचुलेशन इनॉग्रेशन पे आ नहीं पाया, पीयूष भाई कॉन्ग्रेचुलेशन जल्दी मिलेंगे डाइट के साथ, बाकी आप लोगों को भी डाइट लेनी है तो पधारो यहाँ पे जस्ट बराबर में जिम में सी स्कीम में, चले राजा बाबू पीपीएफ वाले के पास, आपसे भी कॉन्ग्रेचुलेशन है। चलो मिलते हैं बाय। हाँ जी तो यहाँ पे किसी की एक्सयूवी हो रही है और अपनी भी एक्सयूवी हो जाएगी जल्दी, अभी इस पे तो आई गेस सेरेमिक हो रहा है, सेरेमिक हो रही है फिर पीपीएफ। वेल तो अभी अपन आ चुके हैं घर पे, जब तक आप लोग ये वाला व्लॉग देख रहे होगे तब तक एक्सयूवी 700 ऑल व्हील ड्राइव की ना डिलीवरी हो चुकी होगी। अनफॉर्चुनेटली मैं डिलीवरी पे जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को एक दो काम है जो कि निपटाने हैं। अभी अपने पास यहाँ पे रखे हैं गिव अवे वाले प्रोडक्ट्स, तो ये 5-6 जो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो ये 5-6 प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, 4-5 प्रोडक्ट्स नीचे रखे हुए हैं। तो अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले गिव अवे करना है। वैसे मेरे को इसी व्लॉग के अंदर अनाउंसमेंट करने थे कि कौन सा मैं प्रोडक्ट गिव अवे करने वाला हूँ और गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को क्या सारी चीज़ें करनी है, तो वो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे कि अपन कौन सा प्रोडक्ट गिव अवे करने वाले हैं। तो उस व्लॉग को देखने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन पे ऑल कर लेना और इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर लेना। चलो अभी आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय, राइट सेफ। आपसे भी कॉन्ग्रेचुलेशन है, चलो मिलते हैं बाय।